नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आज श्रीलंका को अपना नया राष्ट्रपति मिल गया है। श्रीलंका की संसद ने आज कार्यवाहन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के 8वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में चुना है। इसके लिए संसद के सदस्यों ने पिछले सप्ताह गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद को भरने के लिए गुप्त मतदान किया था। कहा जा रहा है कि श्रीलंका की जो स्थिति है उससे भागने की बजाय जिस तरह से वो डटे हुए हैं उसे देखते हुए सदस्यों ने उन पर भरोसा जताया है। रानिल को इस चुनाव में कुल 147 वोट मिले हैं। रानिल विक्रमसिंघे के पास श्रीलंका की राजनीति में लंबा अनुभव है। वो 6 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो यूनाइटेड नेशनल पार्टी के चीफ रहे हैं। सबसे पहले वो 1977 में पहली बार सांसद बने थे और अब 1993 में पहली बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे। विक्रमसिंघे श्रीलंका के उप विदेश मंत्री, युवा और रोजगार सहित कई बड़े पदों का कार्यभार संभाल चुके हैं। उनके कार्यकारण की क्षमता ने काफ़ी कम समय में कई नेताओं को प्रभावित किया है। बता दें कि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की विवादित इस्तीफा के बाद खाली हुए पद पर रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तब उन्होंने जोर देकर कहा था कि उनके नेतृत्व में श्रीलंका के संबंध भारत के साथ बेहतर होंगे। हालांकि बिगड़ते हालात के बीच उन्हें इस पद से जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री के तौर पर वो भारत का 4 बार दौरा कर चुके हैं। अक्टूबर 2016, अप्रैल 2017, नवंबर 2017 और अक्टूबर 2018 में वो भारत आए थे। उनके शासनकाल के दौरान ही प्रधानमंत्री ने भी 2 बार श्रीलंका का दौरा किया था। उनकी सरकार में ही भारत ने श्रीलंका की 1990 एम्बुलेंस सिस्टम सेटअप कारण में मदद की थी। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभरना था। अनाज से लेकर दूध दवा तक कमी से श्रीलंका जूझ रहा है। यह हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर विरोध करते नजर आ रहे हैं, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में नए राष्ट्रपति के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां हैं।